तो हम चल पड़े हैं यहाँ से परवानों की ओर। आज दो नए डिवाइसेस हम इस ट्रिप पे यूज करना स्टार्ट करने वाले हैं। हिमाचल में आपका स्वागत है। केबल कार्स दिख रही हैं। एंड दिस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा हम सुबह सुबह रोड ट्रिप करके परवानू आ गए हैं और यहाँ पे टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट में हैं। तो लेट मी टेल यू टिम्बर ट्रेल क्या है। टिम्बर ट्रेल बेसिकली एक रिजॉर्ट है जिसका अपना एक रोप वे है। इनके दो होटल्स हैं और एक अपने पर्सनल रोप वे से ये गेस्ट को एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन के होटल में शिफ्ट करते हैं और ये कमर्शियली भी फॉर साइट सीन लोग इसी रोप वे को यूज़ करते हैं टू गो टू द अदर हिल एंड सी द व्यूज आउट देयर। ये एक 1.8 किलोमीटर का रोप वे है जो एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी ने टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट के ओनर के लिए बनाया था एंड अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट लेता है एक हिल से दूसरे हिल पे पहुंचने के लिए। तो यहाँ से टिकट ली जाती है इस काउंटर से और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम देखेंगे कितना रश है, बहुत रश हुआ तो हम कहीं और चले जाएंगे। तो यहाँ पे टिकट ली और देखा कि कुछ 10-15 लोग हैं लाइन में, तो ये सोचकर हमने टिकट ले ली और हम आगे आ गए और अब यहाँ लाइन में लगे हैं। कॉफी काउंटर विच इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर द पीपल हु परचेज द गेस्ट। थैंक यू, गिव मी द टिकट। हेलो, या वी आर फ्रॉम टिम्बर ट्रेन एंड वी गोना शो यू हाउ इट लुक्स एंड वी आर द फर्स्ट टॉकिंग ब्लॉगर। मैं अपना कॉलम आई खोल रही हूँ, यू विल हैव टू बेयर विद माय वॉइस इन द कैमरा। इसकी टिकट पे देखा तो लिखा था कि 5:36 तक वापस आना है ऊपर घूम के, बेसिकली 2 hours टू गो अराउंड। तो हमने आसपास लोगों से भी बोला कि वो इंक्रीज भी कर देते हैं टाइम, बट थोड़ा सा टेंशन रहा कि अभी इतनी लंबी तो लाइन है, पता नहीं कब टर्न आएगी। टिकट लेने के बाद 2 hours तो यहीं पे बीत जाएंगे, बट फिर फाइनली पता चला कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब ऊपर पहुंचो इट्स फाइन, जब वापस आना चाहो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। सो वी कंटिन्यूड वेटिंग इन द लाइन। अब कैच ये है कि लाइन दिखने में तो जस्ट 10-15 पीपल की है, बट ये 10-15 पीपल टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे वेट किया अपनी टर्न आने के लिए और ऐसा इसलिए है क्योंकि गेस्ट भी इसी टाइम पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, सो प्रायोरिटी पे गेस्ट रहते हैं और हम जो साइट सीइंग के लिए आए हैं ये नेक्स्ट प्रायोरिटी होती है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा वेटिंग होती है।
वो पीछे जा रही है। ये इतना सारा चल के इस गार्डन में जाना है। ये चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड है, सम एक्टिविटीज हियर। एकदम काले ते डार्क क्लाउड्स हैं। दिस इज वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स एंड वी गोना ईट हियर। तो बेसिकली ऊपर कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, एक बड़ा सा रिजॉर्ट है, उसमें कई ईटिंग कॉर्नर्स हैं, कई जगह से अलग अलग व्यूज़ हैं। सो वी वेंट टू ऑल द साइड्स, वहाँ से व्यूज़ देखे, सोचा कि किस रेस्टोरेंट में खाया जाए, और इस सर्च में कुछ नाइस व्यूज़ मिलते गए, हम पिक्चर्स खींचते गए, और दैट वाज द फन आउट देयर। और कुछ अलग नहीं था, द रिजॉर्ट, द ब्यूटी, द रेस्टोरेंट्स, दैट्स व्हाट everyone goes up there for. Thank you.
टिम्बर ट्रिल टॉप हिल पे बस इतना ही हमने कुछ थोड़ा बहुत खाया, एवरीथिंग वाज टू एक्सपेंसिव, कुछ पिक्चर्स खींची और फिर केबल कार लेके नीचे उतर आए। वापस आते हुए कोई रश नहीं था क्योंकि चेक इन टाइम चेकआउट टाइम निकल चुका था। सो वी केम डाउन बाय द सेम केबल कार ऑन द सेम टिकट। तो वापस आके टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट से निकलते ही भूख तो लगी थी, ऊपर थोड़ा सा ही खाया था, बट एकदम निकलते ही ये अच्छा सा एक शर्मा वेजिटेरियन ढाबा मिला। दिस इज़ एन एयर कंडीशनड ईटिंग प्लेस। ट्रस्ट मी, खाना बहुत ही टेस्टी था। तो अगर कुछ ऊपर नहीं खाया हो तो टिम्बर ट्रेल से निकलते ही इस ढाबे को ज़रूर ट्राई करना। द फूड वॉज अमेजिंग, इतना अच्छा था कि पिक्चर्स भी नहीं क्लिक की हमने। तो हमने देख लिया टिम्बर ट्रेल, हमने स्टार्ट किया बरोक के लिए, पर मूड बदल गया। अब हम वापस जा रहे हैं मेरी मम्मी के घर। तो बाय बाय टू टिम्बर ट्रेल। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।